वाहिगुरु साहिब जियो। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, तां तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ, चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग में आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग में आया। परम सन्मानयोग चवर शतर तख दे मालक, जुग हो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोदंदर शुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरां ने अपार कृपा कीती है। इन्हां पावन दीवानां दे अंदर सतगुर की पावन पवित्र गोद विच बैठ के बड़े प्यार और बड़ी एकाग्रता दे नाल सतगुर की पावन अमृत बाणी दे कीर्तन गुरु स्वारियां पासो आप जी सरवण कर रहे सो। रोजाना पिछले दिनों तो लेकर के साहिबां दी पावन अमृतमई बाणी धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी सतगुरां दी पावन पाक रचना तो उचारण कीते अमृत बचन, आनंद साहिब जी दी मुबारक बाणी दी विचार आप इन्हां दीवानां विच सरवण कर रहे हो। अज विचार अधीन पावन पौड़ी पावन श्री आनंद साहिब जी दी अमृत बाणी दे अंदरों 33 नंबर पौड़ी, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन 921 अंक ते शुभायमान है आप जी ने सरवण कीती है। आओ साध संगत जी इन्हां अमोलक अमृत बचना नूं समझण तो पहलां आप जितने तन सतगुरां दी गोद विच जुड़ बैठे हो इन्हां पावन बचना नूं विचारण तो पहलां सतगुर की बख्शी हुई फतेह असीस रूप विच आप जी दास नाल सांझी करो, तां कि आप संगत दी असीस दे सदका इन्हां अमृत बचना नूं आप जी दे नाल सांझे कर सकीए। करो कृपा बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां ने कृपा कीती है। ये जगत जो परमात्मा दी रचना है, जिथे सतगुरु ने इस अपनी बनाई रचना दे अंदर
बेअंत चीज़ां जिन्हां नूं सतगुर ने अपनी कृपा दे नाल अपने हुक्म दे विच साजे है। उत्थे साहिब कहिंदे ने समुची रचना दे अंदरों जिहड़ी परमात्मा ने श्रेष्ठ रचना बनाई है वो ये मनुखी शरीर है। साहिब धन गुरु नानक पातशाह जी पावन बाणी दे विच बख्शिश करदे ने, सतगुर कहिंदे ने इस धरती मैं तेरी सिकदारी, सिकदारी दे अर्थ हुंदे ने सिरदारी, जो अपने कुनबे विचो कबीले विचो वड्डा होवे उहनूं सरदार आखिया जांदा है। साहिब जी कहिंदे ने इह जिन्नी रचना परमात्मा रब जी ने बनाई है इस बनाई समुची रचना दे अंदरों हे बंदिया तू समुची रचना दा सरदार है। इस धरती मैं तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी, जिहड़ियां होर चूना ने वो तेरे सामने पानी भर दियां ने, भाव वेख तेरे अंदर मालक ने इन्नी समर्था पैदा कीती है। बेशक होर अनेकां जूना शरीरिक बल नाल विचो तेरे नालों बहुत ज्यादा बलशाली ने, तू उन्हां दे सामने शरीरिक बल करके किते भी नहीं टिकदा। हाथी शरीर करके बड़ा बलवान है, शेर शरीर करके बड़ा बलवान है, जिंदा काम ही जीव पशु दा पंछी दा इन्हां जीवां दा घात करके उन्हां नूं खाणा है। शरीर दी समर्था करके सतगुर कहिंदे ने बड़े जीव ने बंदिया जिहड़े तेरे नालों बलशाली ने बलवान ने ताकतवर ने, पर परमात्मा ने तेनू बुद्ध रूपी ऐसी समझ दित्ती है, तेनू मत रूपी ऐसी अकल दित्ती है कि तू इन्हां सारियां जूनां दा सरदार है। ये तेरे अगे पानी भरदियां ने, तेरे हुक्म विच चलदियां ने। पर नाल सतगुर ने एक बचन होर बाणी विच बड़ा प्यारा बख्शे है। पातशाह कहिंदे ने ये मनुख मानो एक मकान की छत ते चढ़ रहा है, ते मकान की छत तक पहुंचन दे लई इन्हें पौड़ी लाई हुई है, जिन्हां पौड़ी के डंडियां ते पैर रखदा है ते अगे वधदा है, लास्ट पौड़ी ते खड़ा होया है, ते जे इस पौड़ी तो यह चूक जाएगा, जे इस पौड़ी तो चढ़न तो यह रह जाएगा, यह मुड़ के दोबारा फिर थले पौं के डिगेगा, ते यह सफर इनू दोबारा फिर तय करना पैना है। पातशाह जी कहिंदे ने लख चो राशि जोन उपाई, मानुख को प्रभ दीन बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो नर चुकै, जिथे मेरे सतगुर ने इस मनुख नूं सरदार होण दा मान दिता है, उथे सतगुर ने नाल ताड़ना भी कीती, समझाया भी ये वेख जे इस मनुखा रूपी पौड़ी तो तू चूक गया, क्योंकि ये तेरी वारी है, ये तेरा समा है तेरे करते मालक नाल मिलण दा, जाके संग ते बीशुरा ताही कै संग लाग, भई प्राप्त मानुख दे हरिया, गो बिंद मिलन की एह तेरी बरिया, मिल जगदेश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। ये बड़ा लम्मा सफर है हे बंदिया तेरे इस आत्मा दा, तेरे अंदर दी जोत दा, इनू मेरे धन गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी पावन बाणी सुखमनी साहब जी दे विच बख्शिश करके समझांदे ने। पातशाह कहिंदे ने कई कोट कई करोड़ां साल, एक अद्धे साल दी या एक अद्धे जन्म दी गल नहीं कीती सतगुर ने। पातशाह कहिंदे ने तू किन्ने ही जन्म संसार दीयां इन्हां अवस्थावां दे विच भटक के आया, पर आ वेख तेनू परमात्मा ने कृपा करके मनुखा जीवन दिता है। पर पातशाह कहिंदे ने जे इस पौड़ी तो तू डिग पिया,
एक गल चेते रखी, फिर तेनू मुड़ के इस सफर की शुरुआत दोबारा करनी पेगी। अज गुरु अमरदास पातशाह जी ने जेडे बचन बख्शे ने, मैं इस करके आरंभ विच ये दो बचन आप जी नाल सांझे कीते ने ताकि सानू अपना मूल समझ विच आ जाए कि मूल की है इंसान का। मनुख जोत दे आधार ते संसार विच विचरदा है। जोत नू मनुख ने कई नाम दिते ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी नू मन तू जोत स्वरूप है या मन जीते जग जीत या सब किन्ने ने आत्म जिने सगल वस्ता कहे, इनू आत्म आखिया, इनू सब ने बाणी विच मन आखिया या सतगुर ने बाणी विच इनू जी आखिया। पर पातशाह कहिंदे ने गल चेते रख, जिहड़ी अंदर जोत रब ने रखी है, जिहड़ी परमात्मा ने अंदर जोत टिकाई है, ये जोत उन्नी देर तक जिन्नी देर तक शरीर विच है तेरा शरीर कर्म करदा है। जिदन ये जोत शरीर विचो निकल जाती है उस दिन तेरा ये शरीर कोई कर्म नहीं कर सकता। फिर मनुख दे मन विच एक सवाल जरूर पैदा होंदा है कि ये जोत भी बंदे दे अपने हाथ विच है। नहीं, सब कहिंदे ने ये जोत मनुख दे अपने हाथ विच नहीं। इनू मेरे साहब बाणी विच कहिंदे ने, तुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मन हुक्मे मरना। सब कहिंदे ने ये जोत हुक्म दे विच है। आप सब दी पावन बाणी पढ़ दियो। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने एक थां ते बड़ा प्यारा जिक्र कीता है, क्योंकि अज जिहड़े बचन सतगुरां ने बख्शे ने, हर ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया। सतगुरे शरीर दे नाल गल करदे ने। और ध्यान देना, अपने आप नूं समझाण दे लई तुहानूं अपने आप नाल गल करनी बड़ी जरूरी है। जिवें परिवार विचों कोई जी गलती करदा है ते परिवार दा मुखी उहनूं बिठा के उहदी गलती उहनूं समझांदा है वी तूं आह गलती कीती है। मापिआं दे सामने बच्चा कुछ गलत बोल जाए, कुछ गलत कर जाए, मापे अपने मापे बच्चियां नूं समझांदे ने कि बेटा आ गलत कीता है तूं। स्कूल क्लास दे अंदर 50 विद्यार्थी होन, उन्हां 50 विद्यार्थियों दे विच्चों एक विद्यार्थी कुछ गलत कर दे, शरारत कर दे, टीचर उन्हूं सजा भी देंदी है ते उन्हूं समझांदी भी है भी आ काम जिहड़ा तूं कीता है ये बहुत गलत है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे ने एक गल चेते रखी, परमात्मा अकाल पुरख की जोत अंदरों वेखेगा ते तेनू समझ आएगी, पर ये अंदरों वेखण दे लई तेनू अपने आप नाल गल करनी पेगी। ये मेरिया शरीरा, ये परमात्मा ने जोत तेरे अंदर रखी, तू तां जगत विच आया है। जे किते वो अपनी जोत अंदर ना रखदा ते तेरा कोई वजूद ही नहीं सी। साचे जे असी एक मिनट लई कल्पना करके वेखिए भी परमात्मा दी जोत ना होवे, वेखो शरीर जोत करके है, जात करके नहीं। ये भी बड़ी वड्डी विडंबना है साडे समाज दी। असी बंदे नूं वेखण लग्गिआं बंदे दी जात वेखने आ, असी इंसान दी जात वेख के गल करने आ किहड़ी जात दा है, किहड़े धर्म दा है, किहड़े वर्ण दा है, किहड़े फिरके दा है। पर सच ये मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, तू सब कुछ वेख लैना पर एक चीज नहीं वेखदा, वो है इंदे अंदर दी जोत। उही जोत है जिहड़ी तेरे अंदर है। जे जोत तेरे अंदर, जिहड़ी जोत उही जोत इंदे अंदर है, फिर एक गल दस, इंदी जात वखरी ते तेरी जात वखरी किवें हो गई? इंदा धर्म वखरा ते तेरा धर्म वखरा किवें हो गया? सात संगत कसी कदी असी बैठ के ना गल्लां नूं विचारीए जरूर। इहनूं कहिंदे ने स्वै चिंतन करना, अपने आपे दा चिंतन करना। कदी इहनां गल्लां नूं विचार के वेखीए जदों असी किसे दूजे बंदे नूं धर्म दे नाम ते, जात दे नाम ते, वर्ण दे नाम ते किसे बंदे नूं कटाक्ष करने आ। कदी ते सोचिए भी मन अंदर बैठ के भी, मेरे मना
बाबा कबीर साहब जी दे कदी आ बचनी चेते आ जान, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। लोका भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहे उस रब ठाई। ओ खालक इस खलकत दे अंदर मौजूद है ते खलकत दी होंद है। जे खालक खलकत दे अंदर मौजूद ना होवे ते खलकत दी होंद ही नहीं। ये रुख तां हरे ने जे इन्हां दे अंदर खालक है। इस रुख ते लगे हुए बूर तां फल बनदे ने जे इन्दे अंदर कादर है। जे इस खलकत दे अंदर खालक है, इन्हां लगे हुए बूर ये फल तां बनदे ने, इन्हां दे अंदर रस तां बनदा जे ये खालक है। जे खालक ना होवे ते सच जाणिओ फिर कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब जी दे बचन तुसीं पढ़दे हो, साहब कहिंदे ने अरबद नरबद घुंगू तारा, धरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रहन ना चंद ना सूरज, सुन समाद समाएंगा। जदों कुछ भी नहीं सी, सतगुरु कहिंदे ने चारे पासे धुंद सी, हनेरा सी, अरबद नरबद धुंदू कारा, ना कोई जगत ना जगत दी रचना कुछ भी नहीं सी, परमात्मा सुन अवस्था विच सी, ते सारा पसारा जिहड़ा है ये पसारा निर्जीव, इन दे अंदर कोई जीवन नहीं सी। उन्हें अपने आप तो समुचे जगत की रचना की। इनू भगत नामदेव कहिंदे ने पहल पुरसाबरा, सब तो पहला उस मालक ने परमात्मा ने अपने आप नू कायम किया, अथोन पुरसादमरा, अपने आप तो ने फिर सारी सृष्टि की रचना रच दी। ये होंद उस मालक तो है, ताई भगत जी कहिंदे ने अस गा अस उस गा, इस थां ते अते उस थां ते हर का बागरा, नाचै भिंदी मैं सागरा। ये परमात्मा का सोहना बाग है। इस बाग नू वेख के किसी भुलेखे विच ना पै जाई भी इहनू बनाउण वाला कोई होरे, इहनू बनाउण वाला करता आप है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो, ना दोई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू, तुस देवै करे पसाओ। अज मेरे सतगुर ने बचन बख्शे ने पातशाह कहिंदे ने वेख अपने आप नाल गल कर, ये शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। परमात्मा ने तेरे अंदर जोत रखी ते तू जगत विच आया है। गुरु अर्जुन देव साहब जी ने बड़े प्यारे बचन कहे ने, पातशाह जी ने संवाद कराया बाणी दे अंदर इस शरीर दा ते अंदर दी जोत आत्मा दा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਹਿ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੇ, ਬਚਨ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾ ਸਾਰੇ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। शरीर कहिंदा है मैं तेरे करके कायम हाँ, जे तू ना होवे ते मैं कुछ भी नहीं, तू कृपा कर मैनू एक वचन दे भी तू कदी मैनू छड के नहीं जाएगा। अगो इस जोत ने बचन के कहन लगे, नहीं भलिया, जिस दिन मैं तेरे अंदर टिकी सा माता दे उदर दे विच, उदन भी मैं किसी दे हुक्म विच आई सा, ते जिदन फिर उस मेरे मालक दा हुक्म होना है उस दिन फिर मैं इत्थों निकल जाना है। ना मेरी मर्जी नाल मैं आ सकनी हाँ, ना मैं अपनी मर्जी नाल जा सकनी हाँ। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहिंदे ने, धन कहे तू बस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हूँ कित ही ना लेखे, वचन दे छोड़ ना जा साहे, फिर कहया हूँ हुक्मी बंदा, ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा, जिचर रखे तिचर तुम संग रहना। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਦੇ ਤਾਂ ਉਠ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹੇ, ਜਿਦਨ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਦਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ।
उस नामालक ने तेरे अंदर जोत रखी है ते तू जगत विच आया है। सच विच गुरमुखो जिन्ने संसार दे विहार ने जीवत बंदे लई ने, जिस दिन प्राणी दे श्वास अंदरों निकलते ने, दो घड़ियां भी बंदे नू घर विच नहीं रखिया जांदा। ये कहा जाता हुण ये गुजर गया, बीत गया, लंघ गया, मर गया, हुण इहनू अग ला के साड़ दिओ। साहब दी पावन बाणी दे बचन तुसी पढ़दे हो, गुरु अर्जन देव बहादुर साहब कहिंदे ने, सब किछ जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बनता अरफुन ग्रह की ना। सब कुछ जींदिया जी विहार ने, मां नाल विहार जींदिया जी है, प्यो नाल विहार जींदिया जी है, पुत्रा नाल विहार जींदिया जी है, घर वाली दे नाल विहार जींदिया जी है। जिदन श्वास अंदरों निकल गए तन दे प्राण होत जब न्यारे, जिदों अंदरों प्राण निकल गए, पातशाह कहिंदे ने टेरत प्रेत पुकार, उदो सब कहिंदे ने पुकार पुकार के भाई हुण ये प्रेत पाप बीत चुका है, ये हुण गुजर गया है, वो तेनू हलूण के आवाजा मारनगे, रोणगे तेरे सामने। वेख जिस मां दे अख विचों तू एक अथरू भी नहीं वेख सकना सें, वेख जिन्हां बच्चियां दी अखां विचों एक अथरू तू नहीं सी वेख सकदा, अज वो तेरे सराहणे ते बह के वैण पांदे ने, रोंदे ने, कुरलांदे ने, तेनू आवाजा मारदे ने, पर सच ये भी तू बोल नहीं सकदा, क्योंकि विहार जीवत दा है, मरे बंदे दा नहीं। तुसी किसी इंसान कोलो लखा रुपये लैने होण, जींदियां जी उन्हूं वार वार जाके कहोगे भाई तू मेरी माया देनी, उन्हूं धमकाओगे भी, उन्दे ते रोला भी पाओगे, चिल्लाओगे भी, पर जिस दिन वह प्राणी मर जाएगा उस दिन तुसी किंदे ते रोला पाओगे? उस दिन असी किसे ते नहीं रोला पा सकते, क्योंकि विहार जीवत दै। ताई गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे ने, मेरिया शरीरा इस गल नू समझ, तेरे अंदर रब ने जोत रखी ते तू जगत विच आया है, तेरी अपनी पाया नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहिंदे ने, टेरत प्रेत पुकार आद करी को नह रख है, फिर अद्धी घड़ी भी कोई घर दे जीए नू रखन लई तैयार नहीं, घर दे देत निकार, सारे घर विचों बाहर कढ दिंदे ने इहनू हुण लै चलो, क्योंकि जिन्नी देर तक अखां दे सामने रहेगा उन्नी देर तक घर दे जी रोंदे ते कुरलांदे रहणगे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे ने, तृष्णा मृग तृष्णा जिउ जग रचना, यह जिहड़ी संसार की रचना है मृग तृष्णा की न्याई है। पातशाह कहिंदे ने, यह देखो हृदय विचार इनू अपने हिरदे विच समझ, कहो नानक भज राम नाम नित, हे भाई नितां प्रति रब दे नाम नू चेते कर, जांते होत उधार जिनू चेते करके तेरा उधार होना है, जिनू चेते कीतिया तेनू जीवन समझ विच आना है। ताई सतगुरु जी कहिंदे ने, एह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागेओ, दुख में संग ना होई। ये जिन्ना जगत ते सतगुर कहिंदे ने सब अपने अपने सुख नाल जुड़िया है, पर पातशाह जी कहिंदे ने, ने नर एह साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिन सत लगत न बार, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो पी संग न होया। गुरु अमरदास पातशाह जी अज बख्शिश करते ने, साहब कहते ने, ए शरीरा मेरे आ, हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, तू इस जगत विच तेरी होंद परमात्मा दी जोत करके आए, तू इस जगत विच ता ही आया कि परमात्मा ने जोत तेरे अंदर रखी है। सब कहिंदे ने, हर जोत रखी तुद विच तां तू जग में आया, परमात्मा ने तेरे अंदर जोत रखी तां तू जगत विच आया है। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। पातशाह कहिंदे ने, एक मां बाप संसार विच रब ने तेनू दिते ने, तू मां दे उधर विच आया,
इस संसार विच तू जन्म लिया, तेरे पिता ने तेरे लिए कमाई करके तेरा पालन पोषण किया, एक मां बाप संसार दे अंदर तेरा पालन पोषण करते ने, तेनू वड्डा करते ने, पर एक गल चेते रखी, मां दे उदर दे विच टिकाण वाला वह करता है जिन्हों सतगुर कहिंदे ने वह आप ही मां ते आप ही प्यो है, पर सच है वह करता इन्ना बलवान ते इन्ना समर्थ ते इन्ना दयालु है। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी कहिंदे ने मां ते बाप वह बच्चे नू पालदे ने मन विच गर्ज रख के कि वड्डा होया तनखाट दे कर भोग बिलासा, ये वड्डा होएगा कमाई करेगा साडे जीवन का निर्वाह करेगा असी सुखी वसांगे, पर पातशाह कहिंदे ने वेखो करता किन्ना वड्डा मां प्यो है। पातशाह कहिंदे ने सब कुछ बना के तेनू मां दे उदर विच टिका के तेरे शरीर की रचना करदा है, अपनी जोत तेरे अंदर पा के श्वास रखदा है, पर सतगुरु कहिंदे ने उहनू तिल जिन्नी भी गर्ज तेरे तो नहीं, वह तिल जिन्नी भी गर्ज तेरे तो नहीं रखता भी तू उहदे लई की करना है। मेरे सतगुरु कहिंदे ने बस उहदे गुणां नू विसारना, हरे आपे माता वह आप मां है, हरे आपे पिता वह आप पिता है। सतगुरु कहिंदे ने जिन जियो उपाए जगत दिखाया, जिसने जिंद पैदा की अंदर ते इस संसार तेनू वेखण नू मिले, जिन जियो उपाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया। जो गुरु की कृपा दे नाल गुरु अमरदास कहिंदे ने इस गल की समझ आ जाती है। एक गल चेते रखिए साध संगत, यह समझ कदी अपनी मत नाल नहीं मिलती, अपनी मत नाल ते इंसान सारी जिंदगी खुआर हुंदा है, पदार्थां नू इकट्ठा करदा है, वस्तुआं नू विहाजदा है, रिश्तेदारियां नू विहाजदा है, पर इस गल दी समझ किवें पवे भी मैनू ये शरीर क्यों मिलिया। आप जपजी साहब जी की बाणी पढ़ते हो, धन गुरु नानक साहब जी ने कृपा करके उनके अंदर पांच खंडां दा जिक्र किया है, ते ओ पांच खंड इसे गल दा प्रतीक ने भी जदों मनुख धर्म की दुनिया विच आउंदा है इहनू समझ आउंदी है भी धर्म ज्ञान तो बिना नहीं कमाया जा सकता, इहनू समझ आउंदी है ज्ञान श्रम तो बिना नहीं मिलता, इहनू समझ आउंदी है श्रम कृपा तो बिना नहीं हुंदी, ते इहनू समझ आउंदी भी कृपा तो बिना कदी सचखंड नहीं मिलता। ये सारियां चीज़ां एक दूजे नाल जुड़ियां ने। धन गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे ने गुर प्रसादी बुझिया, जिस दिन गुरु की कृपा विच टिक जाना है तेनू समझ आ जाती है, ते जिदन समझ आ गई फिर कहेंगा तां चलत होआ, इह संसार चल रहा है जा रहा है, इत्थे कोई थिर नहीं, इत्थे सतगुर पातशाह जी कहिंदे ने जिहड़ जाण वाले बोलै शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन हो सी खाक निमानी गौर करे, जो दिन आवै सो दिन जाही, चलत होआ चलत नदरी आया। फिर समझ आ जाती सतगुरु जी ये जगत जा रहा है, इस जगत विच जीव जा रहे ने, जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही, संग चलत है हम पी चलना दूर गमन, सिरियो पर मरना हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब फन का। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु अमरदास कहिंदे ने जिदन गुरु की कृपा वरत दिए फिर इस सच समझ विच आ जांदा है भी इस जगत विच सदा नहीं रहना, मेरे मालक के तेरी जोत मिली है इस संसार दे विच मेनू नाम नू विहाजन दे लई, मेनू चंगे गुणा का व्यापार करन दे लई, ते फिर समझ आ गई चलत होआ चलत नदरी आया। अंत विच साहब कहिंदे ने कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, हे नानक जी जदों परमात्मा ने सृष्टि का मूल रचिया, सृष्टि नू घड़िया बनाया, यह सृष्टि बना के इंदे अंदर अपना वजूद टिकाया सी, जोत राखी तां तू जग में आया, उस दिन तो उस मालक ने अंदर जोत रखी है ते तू जगत विच आया है, जो अपने आप नू इस जोत नालों वख कर ले, तेरे शरीर नालों वख कर ले, सत जानी तेरा वजूद कुछ भी नहीं।
ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੋਈ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਜਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ